दोस्तों होगा टूगा प्ले में आप सभी का तहदिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो जो ना आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। अगर दोस्तों 1 GB रैम मोबाइल फोन के अंदर पबजी गेम खेलना चाहते हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा लैग होता है, पबजी काफी ज्यादा रुक रुक के चलता है, एनिमी जो ना मार के चला जाता है, क्योंकि हमारे पास भी 1 GB रैम वाला मोबाइल फोन है और ये जो है ना आपको इतना ज्यादा पुराना फोन है क्योंकि इसका जो कंडीशन देख सकते हैं मोबाइल का काफी बेकार है। लेकिन इस मोबाइल के अंदर मैंने अभी पबजी जो गेम खेला, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इतना ज्यादा मक्खन की तरह स्मूथ चला, मैं काफी ज्यादा एनिमी को मैं अभी मारा हूं। मैं तकरीबन 2 घंटा तक इस मोबाइल के अंदर खेल रहा था, ना हीटिंग हो रहा था ना तो लैग हो रहा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी वाले जो है ना खुद मोबाइल बनाते हैं ना, उसके अंदर कुछ ऐसे सेटिंग देते हैं बूस्ट वाला एप्लीकेशन, मतलब कि जो गेमिंग खेलने के दरमियान जो गेमिंग खेलते और काफी ज्यादा लैग होता ना, तो कंपनी वाले जो ना कुछ सेटिंग देते हैं बूस्ट वाला जो सेटिंग होते हैं, जो आप लोगों को नहीं पता होता। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला कितना सेटिंग बताऊंगा, टोटल 4 सेटिंग बताऊंगा। अगर दोस्तों 1 GB रैम मोबाइल फोन के अंदर पबजी गेम खेलना चाहते और काफी ज्यादा लैग होता है, अगर आप उसे बूस्ट करना चाहते, बिल्कुल मक्खन की तरह खेलना चाहते हैं, बिल्कुल लैग ना हो, बिल्कुल रुक रुक के ना चले, बिल्कुल स्मूथ चले पबजी, तो इस वीडियो के अंदर पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बताऊंगा। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यहां पर इंस्टॉल नहीं करवाने वाला, सिर्फ आपको यह वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको फटाफट बता देता हूं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट है। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा प्ले यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते कि यहां पे मेरे मोबाइल के अंदर सेटिंग बताने से पहले यहां पे सबसे पहले यहां पे दिखा देता हूं कि हमारे फोन के अंदर कितना रैम है। जी हां, क्योंकि आपको लोगों को ऐसा ना लगे कि मेरे फोन के अंदर 4 GB हो या 2 GB हो और आप फेक वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑल इन फोन है, आपके फोन के अंदर क्या सीपीयू क्या जीपीयू है, आपके मोबाइल के अंदर कितना रैम मतलब कि खाली है, कितना यूज है, सब कुछ बता देता, तो इस एप्लीकेशन का भी लिंक दे दूंगा। आप इंस्टॉल करना चाहते तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे मोबाइल के अंदर टोटल यहां पे 900 MB यहां पे रैम बता रहा है। यहां जी हां, टोटल रैम है यहां पे 900 MB यहां पे बता रहा है। 100 MB मतलब नहीं देता, कंपनी वाला थोड़ा सा कमी रहता है, तो यहां पे 900 MB रैम बता रहा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं सेटिंग करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग में चले जाना होगा, ठीक है। और सबसे पहले यहां पे सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा यहां पे अवॉर्ड्स अवॉर्ड डिवाइस। जी हाँ, तो अवॉर्ड डिवाइस में जाने के बाद नीचे जाएंगे, यहां पे आपको बिल्ट नंबर होगा। दोस्तों यदि आप बिल्ट नंबर को 7 बार दबाएंगे ना, तो 3 आपको एक सेटिंग ओपन होगा जो काफी हिडन सेटिंग है, जिसका नाम है डबल प्रो ऑप्शन, जो आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे सेटिंग है ना, जिससे कि आपका पबजी जो ना बिल्कुल जो ना स्मूथ चलेगा और एनिमी को जो ना काफी ज्यादा किल कर पाएंगे। मैंने आपको लाइव प्रूफ, मैंने पबजी जो मैं इंट्रो में जो बोल रहा था, तो वहां पर जो पबजी गेम खेले थे ना, मैंने ऑलरेडी ये सेटिंग करके ही खेला था, क्योंकि मैं ये सेटिंग नहीं करूंगा ना तो मेरा पबजी गेम तो चलेगा ही नहीं यार, क्योंकि इसका जो कंडीशन जो देख रहे ना बहुत ही बेकार कंडीशन है, तो चलेगा ही नहीं। मैंने ऑलरेडी मैंने ये सेटिंग किया, इसलिए मेरा मोबाइल जो है ना पबजी के अंदर, मेरे मोबाइल को जो पबजी गेम खेले था काफी स्मूथ चला था। तो यहां पे क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा। सबसे पहले नीचे जाएंगे ना, तो यहां पे आपको 3 सेटिंग मिलेगा। जी हाँ, 3 सेटिंग को आपको जो ना सबसे पहले यहां पे ऑफ करना होगा। यहां पे विंडोज एनिमेशन स्किल ऑफ कर दीजिए, इसको भी ऑफ कर दीजिए और यहां पे इसको भी ऑफ कर दीजिए। 3 सेटिंग को ऑफ करना होगा, स्किल हो गया, टास्नेशन स्किल और एनिमेशन स्किल। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, दोस्तों विंडोज एनिमेशन स्किल का मतलब ये होता है कि अगर आप एप्लीकेशन को क्लोज करते मिनिमाइज करते ना, वो एप्लीकेशन बिल्कुल फास्ट क्लोज होगा। जी हाँ, और दोस्तों यहां पे दूसरा सेटिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। टास्नेशन एनिमेशन स्किल, यानी कि दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन जो रिसेंट एप्लीकेशन होता है जो बैकग्राउंड में चलता है, उसे आप फटाफट ओपन करना चाहते तो वो फटाफट से ओपन हो जाएगा, जैसे कि पे देख सकते हैं फटाक से नहीं आप हो जाएगा। और जो एनिमेशन होता है ना, मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, जैसे यूट्यूब को आप ओपन करेंगे ना, तो इसका जो एनिमेशन है ना काफी ज्यादा, इसका स्प्लिट स्क्रीन बोलते हैं इसको, स्प्लिट स्क्रीन, इसको जो ना काफी टाइम लगता है खुलने में। तो इससे क्या होगा ना कि पबजी काफी ज्यादा रुक रुक के चलेगा, लेकिन आप इसे ऑफ कर देंगे ना, तो क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन है पबजी गेम खेलते ना, वो फटाक से एनिमेशन नहीं लेगा, वो तुरंत ओपन कर देगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ करता हूं। दोस्तों यहां पे मैं पबजी को ओपन किया, ठीक है, और जैसे पबजी को ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो है ना पबजी बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, तुरंत ओपन होगा, क्योंकि इसका मैं बैकग्राउंड में यहां पे मैं
मैं पबजी को मैं मतलब कि क्लोज नहीं किया था, लेकिन तुरंत यहाँ पे पबजी ओपन हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो पबजी ओपन होने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 1 मिनट का समय लगता, तो आप सोच के देखिए कि 1 सेकंड मतलब कि कम मेरे हिसाब से 20 सेकंड का ही टाइम लगा था, मेरा पबजी ओपन हो चुका। तो आप सोच सकते हैं कि ये सेटिंग से क्या फायदे होते हैं। जी हाँ, तो ये था पहला सेटिंग जो मैंने आपको बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा सेटिंग के बारे में जो आपको इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। जी हाँ, दूसरा सेटिंग यह है लिमिट बैकग्राउंड पोर्सेस। दोस्तों लिमिट बैकग्राउंड पोर्सेस का मतलब यह होता है कि आपके फोन के अंदर जो आप 1 GB रैम यूज करते हैं, लिमिटेड मोबाइल होता है, जो आपको 5 से 6 हजार वाला मोबाइल फोन मतलब 5 से 6 हजार वाला बजट वाला फोन है, तो वो तो आपको इतना रेट भी आपको मिलता है जो आपको 1 GB रैम होता है। लेकिन दोस्तों वहां पर आप मल्टीपल अप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखेंगे तो वो जो अप्लीकेशन आप यूज भी करेंगे नहीं ना, तो आपको बैकग्राउंड में चलता है। और काफी ज्यादा अप्लीकेशन मोबाइल फोन के अंदर ऐसे होते हैं जो सिस्टम अप्लीकेशन होते हैं, जी हाँ, जो आप लोगों को जो यूज भी नहीं करेंगे ना वो एप्लीकेशन सिस्टम है बैकग्राउंड में चलता है, और पबजी गेम अच्छे से खेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका नेट इंटरनेट जो ना वीक होगा, तो थोड़ा थोड़ा और भी इंटरनेट सभी एप्लीकेशन लेता रहेगा और इस वजह से जो ना लैग होने लगता है पबजी, जी हाँ, हाई पिनिंग होने लगता है। तो आपको नो बैकग्राउंड पोर्सेस पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो बैकग्राउंड में जो भी चलता है डेटा वगैरह लेता है, पोर्सेस वगैरह, रैम वगैरह, वो नहीं लेगा, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस सेटिंग से ये फायदे होते हैं। और यहाँ पे आपको जो अगर आपका मतलब कि पबजी गेम खेलने के दिन हाई पिनिंग होता है ना, तो यहाँ पे डू नॉट कीप एक्टिव यानी कि जी हाँ, इस सेटिंग को अनेबल कर दीजिएगा। यदि अनेबल कर देते तो आपका एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ जो ना पबजी गेम खेलेगा ना उसके अंदर ही आपका नेट फोकस लेगा और भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा। तो ये सेटिंग से ये फायदे होते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं एक और सेटिंग के बारे में जो काफी लास्ट वाला सेटिंग है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि आप आपके फोन के अंदर जैसे कि गूगल का एप्लीकेशन होता है, प्ले मूवी एंड टीवी होता है, जैसे कि प्ले म्यूजिक होता है, फोटो होता है, मैप्स होता है। दोस्तों ये जैसे कि दोस्तों 1 GB रैम होता है आपके फोन के अंदर, जो गूगल का एप्लीकेशन इनवैलिड होता है या कंपनी वाले देते हैं, तो उसके अंदर बड़ा-बड़ा एप्लीकेशन होता है, ज्यादा-ज्यादा स्टोरेज लेता है और आप लोग वो एप्लीकेशन को यूज नहीं करते। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये सब एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते क्योंकि 1 GB रैम के अंदर जो ना आप लोग यूज नहीं करते क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, तो आप यूज करने के क्या फायदा। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सभी एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं क्योंकि ये फोन के अंदर आपको मिल जाएगा 1 GB रैम के अंदर जो ना बिल्कुल आपको ये डिसेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। शायद सभी फोन के अंदर 2 GB रैम है या 3 GB रैम है, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, डिसेबल सेटिंग आपको मिल जाएगा। तो कहां पे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहां पे नीचे जाएंगे ना, तो नीचे जाने के बाद एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहां पे एप्लीकेशन मैनेजर में जाएंगे और जैसे एप्लीकेशन मैनेजर में जाने के बाद उन सभी एप्लीकेशन जो डाउनलोड किएंगे ना सभी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं जाता हूं यहां पे गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर, यहां पे डिसेबल क्लिक करता, ओके पे क्लिक करूंगा ना, तो पे देख सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है बिल्कुल डिसेबल हो चुका है। यहां पे जो ना ये एप्लीकेशन कोई फायदा नहीं है, मतलब बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, ये आपका एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर होगा लेकिन वो डिसेबल होगा, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा। तो इस सेटिंग से ये फायदे होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारा डिटेल बता दिया कि कैसे-कैसे काम करता है, क्या करना है, आपको सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। जी हां, जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पे डिसेबल किया ना एप्लीकेशन को, तो यहां पे वो एप्लीकेशन यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने मुझे लगा कि एप्लीकेशन दिखेगा आइकॉन लेकिन काम नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों यहां पे आपके फोन के अंदर जो आइकन होता है ना एप्लीकेशन वो आपको नहीं देखेगा, बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा, आपके फोन से वो गायब हो जाएगा। जी हां, तो ये डिसेबल का सेटिंग से ये फायदे होते हैं कि आपके फोन के जो स्टोरेज है ना आपको काफी बचाएगा और इससे आपका पबजी बिल्कुल स्मूथ चलेगा। क्योंकि जब भी पबजी ओपन करेंगे ना तो कम से कम आपको जो ना रैम कम से कम चाहिए, 200 MB रैम चाहिए, और उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप स्टोरेज 4 GB या 8 GB रैम स्टोरेज है ना तो कम से कम 2 GB स्टोरेज खाली होना ही चाहिए। तो इससे आप जो है ना स्टोरेज को भी खा ले सकते हैं और रैम को भी जो है ना ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना आप पबजी लाइट गेम खेल सकते हैं क्योंकि मैंने वो वाला पबजी जो होता है ना 2 GB वाला पबजी उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, इसके अंदर चलेगा ही नहीं, लाइट एप्लीकेशन बिल्कुल हैंग कर रहा था, लेकिन मैंने सेटिंग करने के बाद पबजी लाइट मैंने यूज किया ना तो काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा था और जो भी मैंने सेटिंग आई ये बिल्कुल सेटिंग करना, फिर आप देखना कितना कमाल का पबजी गेम खेल पाएंगे। जी हां, तो आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो काफी ऑसम बहुत ही कमाल के लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।